can saute, you 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 can saute. So hey gamers, welcome back to another video of UK07 gamers channel and this is Bademia. So gamers यार कैसे हो आप सभी, hope so बढ़िया होंगे. So आज की वीडियो अगेन से 4 versus 4 होने वाली है. काफी टाइम बाद यहाँ पे 4 versus 4 वीडियो आपको देखने को मिलेगी. एंड मैंने कल ही एक पोस्ट डाला था कि यार UK07 गिल्ड यहाँ पे वापस से आ चुकी है एंड अब यहाँ पे हम अगेन से रन करने वाले UK07 गिल्ड को एक न्यू फॉर्म के साथ. एंड अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो इंस्टाग्राम पे जाके आप अपना गेम प्ले हमको टैग कर सकते हो. अगर आपका गेम प्ले अच्छा लगेगा सो आपकी टेस्टिंग ली जाएगी एंड अगर आप टेस्ट पास करोगे तो उसके बाद आपको गिल्ड में ले लिया जाएगा. सो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं करना है, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम में जाके अपना गेम प्ले टैग करना है. ठीक है, अगर आपका गेम प्ले अच्छा होगा तो हम आपको खुद ही मैसेज कर देंगे कि भाई आपकी टेस्टिंग ली जा सकती है. सो आप यहाँ पे ऑनलाइन आ जाओ या फिर जो भी प्रोसीजर होगा आगे का हम आपको बता देंगे. सो यहाँ पे आप रिप्लाई का वेट मत करना, ठीक है, सीधा जाओ अपना इंस्टाग्राम पे और अपना गेम प्ले टैग कर दो. उसके बाद यहाँ पे 4v4 मैच चल रहा है. सो यहाँ पे गिल्ड में काफ़ी सारे बंदे हैं अभी जो कि बाहर जाने वाले हैं. गिल्ड मेंबर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सो आप में से जिस भी बंदे का गेम प्ले अभी वीक है तो आप लोगों भी यहाँ पे बाहर जा सकते हो गिल्ड से. सो बी रेडी अपने गेम प्ले को दिखाने के लिए. आप में से भी काफ़ी सारे बंदों की यहाँ पे टेस्टिंग ली जाएगी. एंड फिलहाल यहाँ पे अनीश अकेले बच चुके हैं फर्स्ट राउंड के अंदर और 143 का हेडशॉट लगाया है बट यहाँ पे खत्म कर दिया है और इसी के साथ 1-0 से ओपी गेम की टीम लीड में. सो नेक्स्ट राउंड की स्टार्टिंग हो चुकी है फैक्ट्री के अंदर एंड 4v4 के इस मैच में जो भी बंदा मोस्ट किल करेगा उसे मिलेगी एक वीकली मेंबरशिप चाचा की तरफ से. एंड यहाँ पे बैंडर अनीश नूबड़ा नमन वर्सेस होने वाला है जाट ओपी गेम अरुण एंड अलोन. सो वहाँ पे ओपी गेम ने काफ़ी बढ़िया एक नॉक निकाला और पूरा खत्म कर दिया बैंडर को एंड यहाँ पे नूबड़ा ने खत्म कर दिया यूके अरुण को. सो 3v3 की सिचुएशन हो चुकी है. सो देखने वाली बात ये होगी कि 3v3 की सिचुएशन में कौन सी टीम जीतती है. सो फिलहाल 1-0 से ओपी गेम की टीम लीड में है एंड यहाँ पे नूबड़ा राइट साइड से फ्लैंक करते हुए और ऊपर की तरफ जा रहे हैं. सो यहाँ पे हाइट वाइट सब अलाउ है, कोई भी बंदा कहीं भी चढ़ सकता है. सो देखते हैं भाई किस तरीके का गेम प्ले दिखाएंगे नूबड़ा ऊपर से. और क्या ही नाम रखा है नूबड़ा, मतलब देखते हैं क्या यार सच में नूबड़ा है या फिर नूबड़ा नाम रखे यहाँ पे प्रो वाला गेम प्ले दिखाएगा. सो देखते हैं भाई क्या कुछ होने वाला है. अलोन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा है एंड अपने आप को हील करेंगे. नमन यहाँ पे होने वाले हैं लगातार जंप करते हुए. जाट को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा है कहीं ना कहीं से. तो अनीश भी यहाँ पे नमन के साथ होने वाले हैं. सो 3v2 की सिचुएशन हो चुकी है क्योंकि ओपी गेम को वहाँ पे खत्म कर दिया गया है. तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी क्या जाट और अलोन की ये जोड़ी अनीश नूबड़ा नमन को पेल पाएगी या फिर नहीं. तो यहाँ पे अनीश को थोड़ा डैमेज पड़ा है एंड नूबड़ा ऊपर से लगातार फायर करते हुए एंड नीचे होने वाले हैं जाट एंड अलोन. तो देखते हैं भाई क्या कुछ होने वाला है. अलोन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर है यहाँ पे एंड जाट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं. सो देखने वाली बात होगी कैसा कुछ होने वाला है. अलोन लगातार ग्लू वॉल तोड़ते हुए अनीश को जरूर नॉक कर दिया गया है. तो भाई देखते हैं यहाँ पर 2v3 में ये दो बंदे भारी पड़ेंगे या फिर नहीं. लेकिन वहाँ पर नूबड़ा ने काफ़ी बढ़िया वहाँ पर नॉक निकाला जाट को एंड अकेले अलोन. नूबड़ा ऊपर से लगातार फायर करते हुए नमन है नूबड़ा वर्सेस यहां पे अलोन चलता हुआ. सो भाई इनको नाम चेंज करने की जरूरत है यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है बोलते हुए बट जो भी हो. एंड यहां पे नूबड़ा ने डबल किल निकाल दिया भाई प्रो वाला गेम प्ले दिखाते हुए एंड 1-1 से बराबरी. तो नेक्स्ट राउंड की स्टार्टिंग हो चुकी है. अब तो वेट्री के अंदर एंड किल फीड पे नजर लगाई जाए तो बैंडर के 0 किल, अनीश के 0 किल, नूबड़ा के 2 किल, नमन के 2 किल. वहीं नेक्स्ट टीम से जाट का 1 किल, ओपी गेम के 2 किल, अरुण का 1 किल एंड अलोन के भी 2 किल. तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा बंदा यहाँ पे मोस्ट किल निकालेगा और क्या ही हेडशॉट लगाया ओपी गेम ने यहाँ पे अरुण के सामने बंदा और क्या ही यहाँ पे रेड नंबर बिल्कुल हाइट का एडवांटेज उठाते हुए और वहाँ पे जाट एम बॉट को जरूर नॉक किया गया है. तो क्या यहाँ पे रिवाइव दिया जाएगा जाट को या फिर नहीं. और ओपी गेम ने यहाँ पे शायद एक और बंदे को नॉक करके रखा हुआ है. सो अरुण यहाँ पे खड़े के खड़े हैं. सो देखने वाली बात ये होगी क्या यहाँ पे अनीश 1v4 क्लच कर पाएंगे या फिर नहीं. सो अनीश ने यहाँ पे अभी तक खाता भी नहीं खोला है. यहाँ पे 0 किल हैं और अगर यहाँ पे चारों बंदों को अभी निपटा देते हैं तो 4 किल यहाँ पे अनीश के खाते में आ जाएंगे. सो देखने वाली बात यह होगी क्या यहाँ पे 1v4 क्लच देखने के लिए मिलेगा अनीश की तरफ से या फिर नहीं. एंड यहाँ पे जाट को भी रिवाइव मिल चुका है. सो देखते हैं भाई किस बंदे के खाते में यहाँ पे अनीश का किल जाने वाला है. क्या यहाँ पे अनीश कुछ ताबड़तोड़ गेम प्ले दिखाएंगे और यहाँ पे कोपचे में बुलाते हुए भाई अनीश की आ जाओ भैया तुम्हें अंदर बुला बुला के पेलेंगे. और देखने वाली बात ये होगी क्या यहाँ पे अनीश 1v4 सिचुएशन को ले लेंगे. सो देखते हैं भाई क्या होता है. और यहाँ पे अनीश यहाँ पे ग्लोवॉल के अंदर बुला रहे हैं बंदों को लगातार और एक बंदा जरूर अंदर आया और इसको जल्दी से बॉडी के स्प्रे में पूरा निपटा दिया भाई. अलोन को यहाँ पे खत्म कर दिया अनीश ने. 1v3 की सिचुएशन है. सो अब बंदे वहाँ पे फंसाने लगे. सो देखते हैं भाई कि अनीश बाहर निकलेंगे. जी हाँ यहाँ पे बाहर जरूर निकले लेकिन ओपी गेम किल कन्फर्म करने में सक्षम.
सो नेक्स्ट राउंड की स्टार्टिंग हो चुकी है केप टाउन के अंदर एंड ओपी गेम आ चुके हैं छत के ऊपर। वहीं ओपी गेम के अभी तक 5 किल हो चुके हैं एंड मोस्ट किल अभी तक ओपी गेम के। सो देखने वाली बात ये होगी क्या लास्ट तक ओपी गेम के 5 ही किल रहेंगे। और बैंडर और अनिनी साथ में आ चुके हैं, नूबड़ा भी आ चुके हैं साथ ही में, और नमन यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं जाट एमबॉट। सो देखते हैं ओपी गेम को शायद ऊपर चढ़ाया जाएगा। अरुण यहाँ पे राइट साइड में होने वाले, अलोन अंदर पैक कर रहे हैं अपने आप को। सो देखते हैं भाई क्या अंदर घुसेंगे बैंडर और अनिश, सो क्या कुछ होने वाला है। एंड वहाँ पे नूबड़ा भी लगातार ग्लू वॉल तोड़ते हुए, जाट एमबॉट बिल्कुल सावधानी से वहाँ पे खड़े कि जैसे बंदर अंदर आएगा और वहीं बंदर बना दिया जाएगा। सो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। एक बंदे को जरूर नॉक किया गया है लेकिन ओपी गेम को अननॉक किया गया था। और यहाँ पे जाट एमबॉट वहाँ पे रिवाइव देने का पूरा ट्राई करेंगे एंड बैंडर यहाँ पे अपने आपको हील करेंगे। अनिश लगातार ग्लू वॉल तोड़ते हुए अंदर की तरफ घुसते हुए यहाँ पे एक बंदे को और नॉक लिया गया है। नूबड़ा ने वहाँ पे खत्म कर दिया है अलोन को। सो देखने वाली बात यह होगी क्या यहाँ पे, ओ भाई एक ही बंदा बचा है भाई, कौन सा टीम यहाँ पे खतरे में है। यहाँ पे ओपी गेम अकेले बचे, 1v4 की सिचुएशन है ओपी गेम के सामने। क्या यहाँ पे ओपी गेम 1v4 क्लच करने का दम रखते हैं, देखने वाली बात यहीं पे होगी। और सामने बैंडर, राइट में अनिश, लेकिन यहाँ पे अनिश की डबल किल और इसी के साथ 2-2 से बराबरी। राउंड की स्टार्टिंग हो चुकी है कथित लूस्तुआ के अंदर एंड सारे के सारे बंदे अपनी अपनी पोजीशन पे जाते हुए एंड यहाँ पे नुबड़ा राइट साइड में, जाट ओपी गेम, अरुण यहाँ पे छत के ऊपर जाते हुए और बैंडर, बैंडर के पास वहाँ पे शॉटगन होने वाली है M1014। और यहाँ पे देखने वाली बात होगी किस तरीके का गेम प्ले दिखाएंगे, कौन सा बंदा मोस्ट किल करके यहाँ पे वीकली ले जाएगा। ओपी गेम ऊपर चढ़ते हुए और यहाँ पे ग्लू वॉल के सारे ऊपर चढ़ चुके हैं। अरुण यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के होल्ड करते हुए राइट, और अरुण के लेफ्ट में यहाँ पे बंदा है तो यहाँ पे अलोन भी होल्ड करके बैठे हैं। सो भाई यहाँ पे बैंडर के पीछे 2-2 शॉटगन लटकी हुई है भाई, तो आज तो किसी का खात्मा जरूर होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अभी तक बैंडर ने खाता भी नहीं खोला है तो खाता खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नूबड़ा यहाँ पे 3 किल कर चुके हैं, नमन का यहाँ पे हेलमेट जरूर खुला है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे जाट एम बॉट, सो यहाँ पे अलोन की मदद करने जा रहे हैं एम बॉट। और ओपी गेम भी आ चुके हैं तो वहाँ पे एक बंदा खतरे में हो सकता है जो भी वहाँ पे अकेला फंसा है, शायद वहाँ पे नमन है, तो नमन यहाँ पे मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि 3-3 बंदे आ चुके हैं बाहर से और लगातार ग्लू वॉल तोड़ी जा रही है। नमन यहाँ पे लगातार भगाते हुए ग्लू वॉल के सारे एंड यहाँ पे शायद से नॉक ले लिया गया एक बंदे को और वहां पे खत्म भी कर दिया गया। जी हाँ, वहां पे नमन को भी खत्म कर दिया गया, ऊपर से वहां पे अरुण को भी खत्म कर दिया गया। तो 3v3 की सिचुएशन है एंड ओपी गेम अगेन से घर के ऊपर जाते हुए, तो यहां पे लगातार हाइट हाइट का एडवांटेज जरूर से लेने का ट्राई करेंगे सारे बंदे। अलोन को वहां पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है तो क्या वहां पे अलोन खतरे में होंगे? जी नहीं, यहां पे बैंडर को नॉक निकाल लिया गया एम बॉट के थ्रू और वहां पे नूबड़ा, सो नूबड़ा को भी यहां पे डैमेज पड़ा है। तो 2v3 की सिचुएशन है, अनिश एंड नूबड़ा वर्सेस जाट ओपी गेम एंड अलोन। तो यहां पे अनिश एंड नूबड़ा भाई भाई होने वाले, तो देखते हैं भाई क्या भाई भाई बचाएंगे तब भाई या फिर कुछ यहां पे अलग सा ही गेम प्ले देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अनिश लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए नूबड़ा को वहाँ पे जरूर नॉक निकाले गए, अनिश अगले बचे हैं, ऊपर से ओपी गेम लगातार यहाँ पे स्प्रे देते हुए एंड जी हाँ यहाँ पे किल निकालने हैं 7 ओपी गेम के और इसी के साथ 3-2 से लीड में। सो नेक्स्ट राउंड की स्टार्टिंग हो चुकी है मास इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एंड देखने वाली बात ये होगी क्या कोई बंदा ऊपर चढ़ेगा एंड यहाँ पे कोई भी बंदा ऊपर चढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। अलोन आ चुके हैं राइट में, वहाँ पे एक बंदे को स्पॉट जरूर से किया है, थोड़ा सा स्प्रे देने की कोशिश थी लेकिन वापसी लेने का फैसला किया यहाँ पे। और बैंडर भी आ चुके हैं, नूबड़ा और अनिश साथ में होने वाले हैं, तो भाई 3-3 बंदे साथ में, लेकिन यहाँ पे नूबड़ा को कहीं ना कहीं से स्प्रे मिला और यहाँ पे खत्म कर दिया ओपी गेम ने। तो 8वीं किल कंफर्म की है ओपी गेम ने अपनी। यहाँ पे जाट एमबॉट को बैंडर ने इस बार भैया हेडशॉट के साथ निकाल लिया है नॉक और खत्म भी कर दिया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे 2v3 की सिचुएशन हो चुकी है, अरुण को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है, अलोन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ओपी गेम भी आ चुके हैं। तो देखते वाली बात होगी क्या यहाँ पे 2v3 की सिचुएशन में अनिश एंड नमन यहाँ पे इस राउंड को निकाल पाएंगे या फिर यहाँ पे खतरे में हो जाएगी टीम। ओपी गेम को जरूर से नॉक निकाला था लेकिन काफी बढ़िया कवर वहाँ पे अलोन का एंड यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया और इसी के साथ 4-2 से लीड में। सो नेक्स्ट राउंड की स्टार्टिंग हो चुकी है सेंटोसा के अंदर एंड इस समय 8 बंदे बस एक ही चीज सोच रहे होंगे कि भाई मोस्ट किल निकालने कैसे भी करके। तो यहाँ पे अभी तक 8 किल के साथ मोस्ट किल पे बैठे हैं ओपी गेम। अनिश यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश लेकिन अनिश को वहाँ पे नॉक निकाल दिया गया है और यहाँ पे नूबड़ा आए मदद के लिए, तो क्या यहाँ पे ग्लू वॉल तोड़ के मदद कर पाएंगे अनिश की नूबड़ा या फिर नहीं? तो वहाँ पे जाट एमबॉट आ चुके हैं पीछे से कवर देने के लिए और यहाँ पे नूबड़ा को नॉक निकाला जा सकता है। जी हाँ, वहाँ पे नॉक निकाला है ओपी गेम, यहाँ पे एक छोटा सा हेडशॉट जरूर लगाया सामने वाले बंदे को लेकिन भाई सामने से उतना ही तगड़ा हेडशॉट आया और वहाँ पे ओपी गेम को कर दिया गया। तो 2v3 की सिचुएशन है, एक बंदा वहां पे नॉक पड़ा है तो क्या वहां पे रिवाइव दिया जाएगा ओपी गेम को या फिर नहीं? और बैंडर अकेले फंस चुके हैं और यहां पे गलती करी और यहां पे चारों बंदों ने मिलके वहां पे बैंडर को नॉक निकाल लिया। सो वहां पे नमन अकेले बचे हैं, तो 1v4 की सिचुएशन है नमन के लिए, तो क्या यहां पे नमन हैंडल कर पाएंगे 1v4 की सिचुएशन या फिर नहीं? नमन के अभी तक यहां पे 3 ही किल है, एक बंदे को काफी बढ़िया वहां पे नॉक जरूर निकाला है, तो यहां पे कंफर्म करेंगे। जी हां, वहां पे कंफर्म जरूर करेंगे, 4 किल कर चुके हैं नमन और अपने आप को हील करने की कोशिश, तो देखते हैं हील कर पाएंगे या फिर ग्लू वॉल तोड़ी जाएगी सामने से। तो
फिलहाल अभी तक कोई नहीं आया ग्लू वॉल तोड़ने के लिए। लगता है तीनों बंदे सामने वहां पे वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं बाहर निकलते क्या हुआ। जी हाँ, वहां पे जाट और ये क्या हुआ अलोन की वहां पे ट्रिपल किल, और भाई देखते देखते 7 किल पे आ चुके हैं अलोन। सो नेक्स्ट राउंड की स्टार्टिंग हो चुकी है क्लॉक टावर के अंदर और अलोन भी 7 किल में पहुंच चुके हैं, वहीं ओपी गेम 8 किल में। सो देखते हैं क्या अलोन ओपी गेम को टक्कर दे पाएंगे या फिर यहां पे ओपी गेम और ज्यादा किल करके लीड रखेंगे। सो देखते हैं, अनीश और नुबड़ा ऊपर आ चुके हैं घर के ऊपर और यहां पे ओपी गेम नीचे होने वाले। सो वहां पे बैंडर का वहां पे 1 किल है, अनीश के 4 किल, नुबड़ा के 3 किल, नमन के 4 किल, तो वहीं पे जाट एमबॉट के 4 किल, जहां पे कि एक और बंदे को शायद नॉक निकाल लिया है, और ओपी गेम के 8 किल, यूके अरुण के 3 किल और अलोन के भी 8 किल हो चुके हैं। भाई तो ओपी गेम और अलोन 8-8 पे आ चुके हैं। ओपी गेम क्या ही आए पीछे से और अनीश को क्या ही झटका दिया वहां पे एकदम। सो क्या ही वहां पे दिमाग लड़ाया ओपी गेम ने, और यहां पे नुबड़ा अंदर है और हेडशॉट पेल दिया है भाई, और 10 किल कर चुके हैं ओपी गेम। भाई ये कुछ तबाही चल रहा है अलग, 10 किल कर चुके हैं ओपी गेम, अलोन 8 किल कर चुके हैं, और यहाँ पे देखने वाली बात होगी लास्ट राउंड हो सकता है, ये 6-2 हो चुके हैं। क्या यहाँ पे अलोन टक्कर दे पाएंगे ओपी गेम को? अलोन के करने हैं वहाँ पे 2 किल ओपी गेम के साथ आने के लिए, और ओपी गेम को वहाँ पे और किल करने होंगे अगर अलोन से और भी आगे जाना है तो। सो देखते हैं भाई, 6-2 हो चुके हैं और क्या हो सकता है इस गेम के अंदर। ओपी गेम लगातार ग्लू वॉल तोड़ेंगे, सो किल निकालने जरूरी है ओपी गेम के लिए, लेकिन भाई ओपी गेम को नॉक कर दिया है और यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया जाएगा अनीश के थ्रू। अनीश ने वहाँ पे ओपी गेम को पूरा खत्म कर दिया है। सो अलोन के पास मौका है, जी हाँ यहाँ पे अलोन ने 1 किल और निकाल लिया है भाई, 9 किल कर दिए। सो अलोन के पास अभी भी मौका है कि वो वहाँ पे मोस्ट किल करके इस मैच को जीत सकते हैं। सो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है अरुण, और वहां पे 3v3 की सिचुएशन है, तो क्या यहां पे एक और राउंड जाएगा आगे या फिर इस राउंड में गेम को खत्म करेंगे और मोस्ट किल कौन करेगा। सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं उसी के लिए हूं, और वहां पे अरुण आ चुके हैं। अनीश यहां पे लगातार अपने आप को ग्लू के अंदर पैक करते हुए, नुबड़ा ऊपर है, तो देखते हैं नुबड़ा को डैमेज पड़ा है शायद कहीं ना कहीं से, और वहां पे अलोन होने वाले शायद, और यहां पे जाट एमबॉट ने एक बंदे को और नॉक किया है, तो अलोन के यहां पे 1 किल और निकाल पाएंगे वही देखना है बस। अनीश यहां पे काफी ज्यादा डैमेज है, नुबड़ा को नॉक किया गया, अरुण ने यहां पे नमन को नॉक कर दिया है, तो भाई बहुत ज्यादा मतलब क्या ही सिचुएशन है यहां पे। अलोन को वहां पे रिवाइव जरूर किया जा रहा है, अलोन वहां पे नॉक थे, अभी भी अलोन को 1 किल और निकालना है अगर ओपी गेम के साथ आना है तो, और एक ही बंदा बचा है भाई, क्या हो रहा है ये। और यहां पे एक और किल निकाल दिया है अलोन ने, और यहां पे 10-10 किल हो चुके हैं दोनों ही बंदों के। सो अब यहां पे मैच फंस चुका है, डैमेज की बात नहीं की थी पहले, मोस्ट किल की बात की थी, तो दोनों ही बंदों के यहां पे सेम किल है, तो यहां पे अब बारी आती है 1v1 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया था, अलोन ने वहाँ पे 1v1 में ओपी गेम को हरा के यहाँ पे वीकली अपने नाम कर दिया, और इसी के साथ यहाँ पे अलोन आज के विनर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।